40% कम अपने स्टूडेंट पे इन्वेस्ट करते हैं और आप उनकी एलमनाई और उनके स्टूडेंट्स और उनकी क्वालिटी एजुकेशन देख सकते हैं। थैंक यू। वेरी गुड क्वेश्चन। तो मैंने आपके साथ कंकर की कि जो हमारे पब्लिक स्कूल्स हैं पाकिस्तान में, जिनको पीला स्कूल भी कहा जाता है, और वो स्कूल हैं जहाँ पे टीचर्स नहीं हैं, फर्नीचर नहीं है, बाथरूम्स नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, तो उस पर तो नो डाउट। पहली बात तो ये कि आप मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर की तो पहले बात कर लें बिफोर आप क्वालिटी लेकर आए। और दूसरी बात ये कि आप अच्छे खासे, यही जो डेवलप्ड कंट्रीज़ की आप बात करते हैं, जिनके मैंने एग्जाम्पल दिए हैं कि टर्की का भी दिया मैंने, इंडोनेशिया का दिया मैंने, मलेशिया का दिया, वहाँ पे जो पब्लिक स्कूल्स हैं उनकी क्वालिटी ऑलमोस्ट ऐसी होती है जैसे प्राइवेट स्कूलों की होती है। बहुत कम फर्क है, यू नो 18-20 का फर्क होगा या 15-20 का होगा, हमारे तरीके से नहीं। तो यहाँ पे भी हम ये चाहते हैं, और ये बाय द वे मेरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, मैं हायर एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज़ की ज्यूरिसडिक्शन है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि हमारे स्कूल्स का भी वही लेवल हो जाए कि अगर एक हाला से भी पब्लिक स्कूल से एक स्टूडेंट अगर एक पास करता है, वहाँ से इंटर करता है, HSC करता है, तो वो भी जाके IBA और LUMS में दाखिला ले सके। मैं, अगर आप इजाज़त दें बरेलवी साहब, तो एक सवाल शायद मैं यहाँ से आपसे पूछना चाहूँगी। जो उस बच्चे ने मिसाल दी सिटीज़न फाउंडेशन स्कूल्स की, ये प्राइवेट इनिशिएटिव है, तो क्या प्राइवेट यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए? क्या ये तरीक़ाकार है? क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक जगह इस बात को एक्नॉलेज किया कि शायद नेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन जो थी वो गलत फ़ैसला था। नहीं, मैं समझता हूँ कि स्टेट का रोल होता है पब्लिक एजुकेशन हर जगह, चाहे आप यूनाइटेड स्टेट्स में चले जाएं, UK में चले जाएं, पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस दोनों को कंट्रीब्यूट करना चाहिए साइड बाय साइड। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो एक मार्केट फोर्सेस होती हैं कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो उसमें जा सकते हैं जाएं, लेकिन पब्लिक एजुकेशन भी होनी चाहिए जो स्टेट को देनी चाहिए, और उसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी होनी चाहिए जितनी प्राइवेट स्कूल्स की हैं। तो दे हैव अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होनी चाहिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी होती है और बड़ा सक्सेसफुल मॉडल है। तो जहाँ पे जो पब्लिक स्कूल्स अच्छे नहीं चल सकते हैं, उन लोगों को चाहिए कि वो प्राइवेट स्कूल्स के साथ पार्टनरशिप्स, और गवर्नमेंट इस चीज़ को एनकरेज करे। मेरा सवाल ये है कि हमारे गवर्नमेंट तालीमी इदारों का बहुत बड़ा मसला एक तंजीमी सिस्टम मिलेंगी, और बच्चों को ये अवॉइड करने के लिए इंस्टीट्यूशन जाना ही अवॉइड करना पड़ता है, तो इसके बारे में आप डॉक्टर साहब सियासत में बात नहीं करेंगे, पहली बार इसको देखें। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मैंने भी हेड किया एज प्रेसिडेंट, और यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स के अंदर मैं पर्सनली भी एनकरेज करता हूँ कि जिसको बोलते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ थाट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये चीज़ें होनी चाहिए। आपके इंस्टीट्यूशंस में भी सोसाइटीज़ होती हैं, मार्केटिंग सोसाइटीज़ होती हैं, मीडिया सोसाइटीज़ होती हैं, जर्नल होती हैं, एनवायरमेंटल क्लब होते हैं, तो जहाँ पे इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी से रिलेट करते हैं, जहाँ पे इस मुल्क के मसले हैं, इस मुल्क में मसले हैं एनर्जी के, फूड सिक्योरिटी के, वाटर के, इस टाइप के हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो बेस्ट फोरम है हमारे मुल्क के लिए पॉलिसी को डिबेट करने के लिए, वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता है, वो यूनिवर्सिटी होता है, और वो आप लोग हैं, बिकॉज आप लोग इस मुल्क के फ्यूचर लीडर्स हैं। तो इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ है उसको मैं एनकरेज करता हूँ, और उसको हम फैसिलिटेट भी करते हैं। लेकिन जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि सियासत बार की जो है वो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आ जाए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। हमें सियासत, पॉलिटिक्स को इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटी से दूर करना चाहिए, लेकिन जो एकेडेमिक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ हैं, जो मुल्क की, जिसको आप कह सकते हैं कि एक थिंक टैंक्स बन जाए, एक पॉलिसी मेकिंग डिबेटिंग फोरम हो जाए, उसको मैं एनकरेज करता हूँ। डिफरेंस ये है कि आप कोयल में कि हमारे यहाँ 50s में और 60s में और 70s और 80s में जो यूनियनें होती थी, और वो यूनियनें बहुत ही पॉजिटिव डिबेट्स कराती थी, मुशायरे कराती थी, डायलॉग हुआ करते थे। ख्याल है कि इस वक्त हमारी जो असम्बलियों में, जो पिछले दिहाई में भी और अभी भी देखें, नुमाया लोग वो होते थे जो स्टूडेंट लीडरशिप में बड़े स्ट्रांग होते थे। आपने जो है यूनियनें बैन करके एक फेक लीडरशिप आई, और वो जो स्टूडेंट का मकसद था, या तो बहुत अच्छे पढ़े लिखे स्टूडेंट थे या डल थे, तो वो जो एक गैर निसाबी यानी यूनियनें बैंड हुई डॉक्टर साहब, उससे नुकसान ये हुआ कि ये लोग जो आगे चलकर लीडरशिप में आ सकते थे ये तो नहीं आए। इसीलिए आज हम ये देख रहे हैं कि उन्हीं देही इलाकों के जागीरदार वडेरे आते हैं, उनकी सेकंड जनरेशन आती है, थर्ड जनरेशन आती है, मखदूम सज्जाद कुरैशी आए, शाह महमूद कुरैशी आए, अब जमील कुरैशी आएंगे, फिर कादिर गिलानी आएंगे। कहने का मकसद ये कि ये न्यू लीडरशिप जो है, न्यू लीडरशिप किस तरह है, क्या इंस्टीट्यूशंस को डीपॉलिटिसाइज कर देना चाहिए, या क्योंकि जब पोलिटिसाइजेशन हुई वहाँ पे उसके साथ तशद्दुद भी हुआ, वायलेंस भी हुआ, उसने आप सबको शायद खौफजदा कर दिया इस चीज़ से। देखिए ना, वायलेंस के तो कोई फेवर में नहीं है, कैंपस में तो ना आर्म्स होने चाहिए ना वायलेंस होने चाहिए, लेकिन यही मैंने बोला कि अगर ये यूनियंस हैं
और ये यूनियंस एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करते हैं कि जो कि मुल्क के मसले हैं वो डिबेट करते हैं। और इसी तरीके से और भी आपको पता है यहाँ पे फोरम्स होते हैं, रोटरी क्लब्स होते हैं, लायंस क्लब होते हैं, यंग पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, यंग सेनेटर्स होते हैं, ये जो यूनाइटेड नेशंस की मॉडल यूनाइटेड नेशन सोसाइटीज होती हैं, और भी बहुत सारे फोरम्स हैं जिसके थ्रू खास क्लास होती है, महदूद क्लास है ना ये? नहीं नहीं, आई थिंक वो सब उसमें सेक्टर में आके ये लोग सर्व करते हैं, ये लोग अंडरस्टैंड करते हैं, मुल्क के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, डिबेट करते हैं उन फोरम्स पे भी, और यूनियंस में भी अगर करना चाहें तो मुल्क के जो मसले हैं वो करें, कोई आर्म्स और वायलेंस तो लेकर नहीं आए ना कैंपस में। माई नेम इज़ सहर आदिल। सर मेरा सवाल आपसे ये था कि अभी आपने बताया कि 7500 लोग जो हैं वो PhD करके अनकरीब 3-4 साल में आएंगे, तो बेसिकली ये कि वो लोग जब आएंगे तो उनका भी एम, उनका भी वो यही चाह रहे होंगे कि वो फेमस यूनिवर्सिटीज़ को ज्वाइन करें रादर देन कि वो गवर्नमेंट इदारे ज्वाइन करें जहाँ पे इतनी सैलरीज भी नहीं मिलती। जब वो इतनी मेहनत करके आएंगे तो उनका इरादा होगा कि भाई हम IBA लम्स ऐसी यूनिवर्सिटीज़ ज्वाइन करें, तो आप ये कैसे इंश्योर करेंगे कि वो ना सिर्फ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बल्कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज में भी उतना ही रोल प्ले करें? गुड क्वेश्चन। और ये कि वो इंटीरियर में भी जाएं, यानी वो नवाबशाह भी जाएं, वो बलूचिस्तान भी जाएं, वो इंटीरियर इलाकों में भी जाएं। डॉक्टर साहब देखिए, दो नमूने के लोग बाहर जा रहे हैं, एक तो खुद यूनिवर्सिटीज से ही जा रहे हैं जो कि चाहे वो इंटीरियर्स के और नवाबशाह के और वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ के हैं वो जा रहे हैं, और वो लोग अंडर बॉन्ड दे रिटर्न बैक टू देयर यूनिवर्सिटीज़। ठीक। दूसरे वो लोग हैं जो ओपन फोरम से जा रहे हैं एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे के, और वो लोग बाहर जाते हैं, उनको भी वापस आना पड़ता है। आपको मेरा ख्याल से HEC की नई पॉलिसीज़ का पता नहीं है। पहली बात तो जब वो यूनिवर्सिटीज़ में हैं तो उनके एक साल आने से पहले ही उनको प्लेस कर दिया जाता है, उनको 4-5 यूनिवर्सिटीज़ की चॉइस दी जाती है, उनको प्लेस किया जाता है। इस वक्त उनकी जो सैलरीज़ हैं, हम लोगों ने एक टेन्यूर ट्रैक सिस्टम शुरू किया है, अब वो सैलरीज का जमाना चला गया, अब उनको काफी अच्छी और रिस्पेक्टेबल सैलरीज मिलती हैं, और ऑन टॉप ऑफ दैट उनको एक रिसर्च ग्रांट भी दिया जाता है, बिकॉज हर कोई जो नया PhD करके आता है एक सुपर चार्ज होता है और वो एकदम चाहता है कि मुझे रिसर्च फंडिंग हो। ये रिसर्च ग्रांट उनको हम यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं देते, हम हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से देते हैं, तो उनको एक रिसर्च एनवायरमेंट भी मिल जाता है, उनको एक जॉब भी मिल जाता है आने से पहले, और उनको प्लेसमेंट मिल जाती है। तो इस वजह से अब जैसे आप बात कर रहे हैं कि 7500 लोग हैं, हमारे तकरीबन 700 लोग इस वक्त वापस आ चुके हैं, यूनिवर्सिटीज़ को ज्वाइन कर चुके हैं, और उसमें से हमें कोई कंप्लेंट नहीं है, एवरीबडी इज़ हैप्पी। और आई थिंक इस तरीके से हम एक नया माहौल क्रिएट करना चाह रहे हैं यूनिवर्सिटी में, जिसको बोलते हैं कि एक रिसर्च का माहौल है। पहले एक रिसर्च का माहौल नहीं था, अब एक रिसर्च का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, जिससे हम लोग चाहते हैं कि जब रिसर्च होता है, एक इनोवेशन होती है यूनिवर्सिटी में, क्रिएटिविटी होती है, तो उससे आपकी मुल्क के डायरेक्ट रिफ्लेक्शन होती है, आपकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर, आपकी इकोनॉमी पे होती है। ये चीज़ पहले मुल्क में नहीं हो रही थी, अब आप इस चीज़ में चेंजेस देखेंगे, और इसमें आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। देयर आर टू क्वेश्चंस। फर्स्ट इज HEC फंड्स मेनी पीपल टू गो अब्रॉड टू स्टडी, सो इज देयर ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम? एंड सेकंड, दैट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, मेनी ऑफ अस आर अफेक्टेड फ्रॉम द रोट लर्निंग इशू, so how can we eliminate that issue? It's a really big question. I think अभी भी आप स्कूल सिस्टम से वेरी रिसेंटली निकले कर का हैं, तो आपने HEC के जो स्कॉलरशिप अवार्डिंग सिस्टम है उसको आपने शायद स्टडी नहीं किया है। पहली बात तो वी आर वेरी मच इलिटरेट, ई इनेबल्ड, यू अप्लाई एवरीथिंग ऑनलाइन। दूसरे बात ये कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन टेस्ट होता है जो इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट, जिसमें आपको जिस तरीके से आप यहाँ पे इम्तिहान देते हैं स्कोर होता है, आप चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी या कंट्री बताते हैं, फ्रांस है या साउथ कोरिया है, 22 डिफरेंट कंट्रीज में हमारे स्कॉलर्स जा रहे हैं, ठीक है ना। और जब वो आप ऑनलाइन एग्जाम क्लियर करके एक मिनिमम बेसलाइन में आ जाते हैं, ठीक है, जो फाइनल सिलेक्शन होता है उसमें खुद उस फॉरेन कंट्री के प्रोफेसर्स या वो पर्सनली इधर आके या थ्रू ए लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट्स को इंटरव्यू करते हैं, और ये इंटरव्यूज 2-3 दिन चलते हैं। The final selection is made by the deans and the chairmen and the faculty of the foreign university, not by HEC, not by local faculty. इससे ज़्यादा आपको transparency नहीं, but sorry डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में ये काफ़ी वो लड़के हैं, इनमें 90% बल्कि 95% जरूर कंप्यूटर से वाकिफ हैं, और ये सब नेट वेट, ये मुझे नहीं पता कि उसमें चैटिंग कितनी करते हैं और अपना पढ़ना लिखना कितना देखते हैं, लेकिन आम लोग, आप में से ये बताइए, आप में से कितनों को ये इल्म है कि आप स्कॉलरशिप पर हायर एजुकेशन के लिए, यानी स्कॉलरशिप जो गवर्नमेंट देती है उस पर जा सकते हैं? कितने लोगों को इल्म है? इल्म है कम है ना, कम है डॉक्टर जी? हाँ, मैंने मकसद ये है कि डॉक्टर साहब, लोगों का ये ख्याल है हायर एजुकेशन एक शायद इलीट क्लास, एक आला तबके, या पॉलिटिकल बुनियादों पर, या एक मखसूस अंदाज में लोगों को हायर एजुकेशन वाले भिजवाते हैं। IBA जैसे इदारों में या बड़े बड़े इदारों में लोगों को ये इल्म नहीं कि हायर एजुकेशन का रोल क्या है, किस तरीके से
यानी वो जो हैं अप्लाई करें, किस तरह उनको मिल सकेगा? मैंने काफ़ी लोगों को पूछते हुए देखा कि जी हम किस तरीके से, हमारा हायर एजुकेशन कमीशन इतना ई इनेबल्ड और ई लिटरेट है, आपको ताजुब होगा कि हमारी HEC के वेबसाइट पे पिछले साल 141 मिलियन हिट्स हुए थे। तो अगर आप लोगों ने जाके आप हायर एजुकेशन के वेबसाइट पे सिर्फ चले जाएं और आपको वहीं पे सबसे बड़ा लिंक मिल जाएगा दैट सेज स्कॉलरशिप्स। जब आप उस पे क्लिक करेंगे तो आपको 15 डिफरेंट स्कॉलरशिपें खुल जाएंगी और वहीं पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा लगारी साहब, अब मैं एक सवाल करूं अगर आप मुझे इजाजत दें तो। इजाजत है आप लोगों की, इजाजत ले लूं सर। आपने बिल्कुल सही फरमाया, लेकिन पिछले दिनों मीडिया में इस किस्म की बहुत सारी खबरें आईं कि जो हमारे बच्चे गए हुए थे बाहर पढ़ने, उनको फंड्स नहीं मिल रहे थे, कुछ को वापस आना पड़ा, और अभी भी जो आपकी जो फंडिंग मैकेनिज्म है, एक दफ़ा जब कोई चूज हो जाता है वहाँ बहुत सारा रेड टेपिज्म और मसाइल मौजूद है। नहीं, पहली बात मैं आपको कॉन्ट्रडिक्ट कर लूं कि कोई भी बाहर जाने वाला पर्सन वापस नहीं आया है फंडिंग की वजह से, नॉट वन। ओके। नंबर टू, पिछले साल पूरे मुल्क में एक फाइनेंशियल क्राइसिस था और आपको पता है कि फ्लड्स आए थे। क्राइसिस फ्लड से पहले से था, एक हम लोग वॉर ऑन टेरर लड़ रहे हैं, दूसरा ग्लोबल रिसेशन है इकोनॉमिक, ये दो चीज़ें पहली रोल ओवर होकर आई थी, फिर हमारे यहाँ पर फ्लड्स आ गए। फ्लड्स के बाद हमारी पोजीशन ये हो गई पाकिस्तान की कि हर मिनिस्ट्री में उन लोगों ने 50% फंडिंग कट की, 50% साल के बीच में। आप लोगों को पॉकेट मनी मिलती है और आपके महीने के बीच में आपके पेरेंट्स बोलें कि वेल आपने आधे पैसे तो ले लिए, अब आपको बाकी आधे नहीं मिलेंगे। तो इन द मिडल ऑफ द ईयर आपके 50% काट दिए गए। ठीक है, माने कि हमें अपने 50% प्रोजेक्ट्स बंद करने पड़ रहे थे। पहली चॉइस जो हमने उस वक्त चूज किया कि जिसको हम बिल्कुल किसी भी हालत में बंद नहीं करेंगे, वो हैं जो हमारे स्कॉलर्स पाकिस्तान से बाहर हैं। एक स्कॉलर की फंडिंग बंद नहीं हुई है, लोकल सारे प्रोजेक्ट्स हमने बंद कर दिए जो कंस्ट्रक्शन वाले थे। यूनिवर्सिटीज एक्सपेंड होती हैं, नए डिपार्टमेंट्स बनते हैं, नए हॉस्टल्स बनते हैं, और काफी हमें शिकायतें आई वाइस चांसलरों से भी कि आपने हमें बीच में हमारा काम रुक गया, हमारी कंस्ट्रक्शन रुक गई। तकरीबन 200 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में इस वक्त रुक गए थे पिछले साल इस क्राइसिस की वजह से, लेकिन एक भी फॉरेन स्कॉलर के पैसे नहीं काटे गए, एक को भी वापस नहीं बुलाया गया। सिर्फ मसला ये हुआ था कि 1-1.5 महीने की डिलेड उनको पेमेंट हुई थी और इसी वजह से कि ये क्राइसिस आ गया था। जो इस वक्त एक और अहम सवाल पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से उठ रहा है, वहाँ फैकल्टी की तनख्वाहें और एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज़ की सस्टेनेबिलिटी है। मीडिया में इस वक्त ये भी बहस है कि शायद HEC के पास इस वक्त पैसे नहीं है कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को सपोर्ट कर सके, और उनसे कहा जा रहा है कि अपने फंड्स खुद जनरेट करें। पहली वाली बात जो तनख्वाहों वाली बात है कि जैसे मैंने बोला कि एक टेन्यूर ट्रैक सिस्टम जो स्टार्ट हो गया है यूनिवर्सिटीज़ में, उसमें तनख्वाहें बहुत अच्छी हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की तनख्वाहें आर ऑलमोस्ट एज गुड एज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। और ये मसला मैंने भी फेस किया था जब मैं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी को में था। काफ़ी लोगों को हम जॉब ऑफर देते थे, वो कहते थे कि हम आपको आके क्यों ज्वाइन करें, इतने तो हमें पब्लिक यूनिवर्सिटी दे रही है। तो तनख्वाहें पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ऑन ए टेन्यूर ट्रैक सिस्टम, लेट मी रिपीट, जो कि परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, वो तनख्वाहें इम्प्रूव हो गई हैं। और आपका वो जो सेकंड पार्ट था विच वॉज फैकल्टी के लिए पैसे नहीं है, उनको तनख्वाहों के लिए पैसे नहीं है, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी से कहा जा रहा है कि आप खुद फंड्स जनरेट करें, स्टूडेंट्स की फीसें बढ़ाएं, जो भी करें। सेकंड पार्ट ये कहा जा रहा है, नो डाउट, कि आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज जो हैं वो एक फंड रेजिंग मैकेनिज्म में जाएं। अब उस फंड रेजिंग किस तरीके से किया जा सकता है, उसके बहुत सारे तरीके हैं। उसमें एक तरीका तो ऑब्वियसली ये होता है कि आप फीस को रैशनलाइज करें, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड बढ़ाई जाए, एक फीस को रैशनलाइज करें। दूसरा, आप दूसरे तरीके